दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पशुपालन विभाग अब इस बीमारी को फैलने से रोकने में जुट गया। दिल्ली के मयूर विहार, संजय झील और द्वारका से लिए गए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उन जगहों पर सफाई का अभियान शुरू कर दिया गया। संजय झील से सामने आई तस्वीरों में पशुपालन विभाग के कर्मचारी केमिकल का छिड़काव करते दिखे। इसके साथ ही झील के आसपास चूना छिड़का गया और पार्क को भी सैनिटाइज किया गया। इसके अलावा उन जगहों का घेराव कर दिया गया जहां एक दिन पहले करीब 400 बतखों को मारकर दफनाया गया था। पशुपालन विभाग की तरफ से यहां सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। विभाग ने एहतियात बरतते हुए पार्क को अगले 3 महीने के लिए बंद कर दिया। साफ सफाई की इस तरह की तस्वीरें दूसरी जगहों से भी सामने आई। सौभाग्य की एक बात यह कि दिल्ली की संजय झील हो या फिर चिड़ियाघर, वहां हर साल रूस और मध्य एशिया के देशों से प्रवासी पक्षी सर्दियों के मौसम में आते रहे हैं। इस साल भी आए और उन्हीं के साथ बर्ड फ्लू का वायरस भी आ गया। दिल्ली में जो कौवे और बतख मरे पाए गए थे, उनके नमूनों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद ही संजय झील की सारी बतखों को मार दिया गया ताकि हम लोगों की जान संकट से बची रहे। पोल्ट्री फार्म पर भी प्रशासन की नजर है। ये तय हो चुका है कि अगर किसी मुर्गी खाने में एक भी मुर्गी बर्ड फ्लू की चपेट में आई तो सारी मुर्गियों को मारकर दफन कर दिया जाएगा। इतनी कड़ाई, इतनी सख्ती, इतनी सावधानी सिर्फ इसलिए बरती जा रही है ताकि हम निश्चिंत रह सकें। हमको बेवजह बौखलाने या बदभास होने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि बर्ड फ्लू के दर्जन भर वायरस में इक्का दुक्का ही है जो पक्षियों से इंसानों में फैलते हैं, और अब तक कम से कम दिल्ली में ऐसा कोई वायरस नहीं मिला है। कृषि वैज्ञानिक अशोक गुलाटी और खाद्य नीति विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद जोशी शामिल हैं, जो 10 दिन के अंदर किसानों के मुद्दों को सुलझाने पर काम शुरू करेंगे और 2 महीने में अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देंगे। इसके अलावा कोर्ट ने 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली पर किसान संगठनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। जबकि सरकार ने किसान आंदोलन में खालिस्तानी संगठन और PFI के शामिल होने का मुद्दा भी सुनवाई में उठाया और कोर्ट में IB की रिपोर्ट सौंपने की बात कही। देखिए, जब तक दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं करता है तब तक के लिए तीनों कानून स्टे कर दिए गए हैं। बिहार के कटिहार से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें 5 पुलिस वाले घायल हो गए। आरोप है कि कार्रवाई के दौरान उन्होंने लोगों के घरों में आग लगा दी, जिससे वो भड़क गए और उन्होंने पुलिस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद तो वहां हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सामने आई कुछ तस्वीरों में पुलिस अवैध तरीके से बने मकानों पर बुलडोजर चलाती दिखी, तो वहीं लोग उसका विरोध करते नजर आए। इस बीच वहां कई झुग्गियों में आग की लपटें भी उठती दिखाई दी और लोगों का सामान सड़क पर बिखरा नजर आया। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके घरों में आग लगाई, जबकि पुलिस ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने जो है जानबूझ के आग लगा के सीन क्रिएट किया और इसके बाद उधर से ईटा पत्थर छोटा चला। इस घटना में 5 पुलिस वाले घायल हो गए, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि जमीन के लिए परिवार और पड़ोसियों के साथ खूनी जंग से हमारा पेट नहीं भरा, इसलिए अब शहर शहर पुलिस और प्रशासन के साथ भी हम मरने मारने पर आमादा होने लगे। अजब भूत सिर पर सवार होता जा रहा है कि सरकारी जमीन खाली नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए खून खराबा क्यों ना करना पड़े। हर शहर की एक ही कहानी, जहां खाली जगह दिखी वहां टिन छप्पर डालकर कब्जा करने वाले धमक जाते हैं। शुरुआत में कोई रोके तो मजबूरी गिनाते हैं, बाद में मान लेते हैं कि अब तो ये जमीन हमारी हुई। खाली जमीन न मिले तो सड़क, फुटपाथ, नाला, कुछ भी कब्जा कर लेंगे हम। एक बात समझ लीजिए कि सरकारी जमीन हम सबके इस्तेमाल के लिए ही, हमारे निजी इस्तेमाल के लिए नहीं है। ऐसे हिंसा और हंगामे से हम गलत को सही साबित नहीं कर सकते। भारत में कोरोना वैक्सीन लगाने की तारीख के ऐलान के बाद अब इनकी कीमतों से भी पर्दा उठा दिया गया। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड के एक डोज की कीमत ₹200 है, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का एक डोज ₹295 में मिलेगा। लेकिन इन कीमतों पर ये दोनों वैक्सीन आम लोगों को नहीं बल्कि सिर्फ सरकार को मिलेगी। लोगों को कोरोना का टीका जल्द लगे, इसके लिए केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की 1,10,00,000 डोज का ऑर्डर दिया है। इसी तरह सरकार ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 55,00,000 डोज मंगवाए हैं, जिनमें 16,50,000 डोज सरकार को फ्री में मिलेंगे। बताया गया कि सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की एक शीशी में 10 डोज होंगे, मतलब एक शीशी से 10 लोगों को टीका लगाया जा सकेगा, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की एक शीशी में सिर्फ एक डोज होगा, जिससे एक आदमी को टीका लगाया जा सकेगा। भारत में 16 जनवरी से कोरोना का टीका लगाने का अभियान शुरू हो रहा है और इसके पहले चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। भुवनेश्वर से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक चलती बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई।
बताया गया कि जिस वक्त बस में यह आग लगी उस समय उसमें करीब 30 यात्री सवार थे जो आग लगते ही अपनी जान बचाकर बस से बाहर निकल आए। इन लोगों ने बस को अपनी आंखों के सामने आग के गोले में बदलते देखा। बस से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। बस पूरी तरह आग की जद में आ चुकी थी, उसमें उससे धुआं उठ रहा था। ऐसे में उसके आसपास मौजूद लोगों को वहां से दूर कर दिया गया और इस घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम अपने काम में जुट गई। दमकल कर्मियों ने कुछ देर में आग को बुझा भी लिया, लेकिन जब तक आग शांत हो पाई बस की सूरत पूरी तरह बदल चुकी थी। सौबात की एक बात यह कि हमें जो लोग बसों में यात्रा करते हैं उन सबको ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि चलती बस में अगर आग लग जाए तो अपनी जान कैसे बचाएं। हमको अपनी जान की चिंता खुद ही करनी होगी, क्योंकि बसों के मालिक या ड्राइवर तो मानने से रहे, उनको बस चलाकर सिर्फ अपनी कमाई की चिंता है। गाड़ी की मरम्मत, उसकी ठीक से देख रेख करने की न तो किसी को फुर्सत है न ही कभी कोई ख्याल आता है। सिर्फ ओडिशा की बात नहीं है, पूरे देश का एक जैसा हाल है। गाड़ी खरीदते समय कंपनियां एक बुकलेट भी देती हैं जिससे साफ साफ जिसमें लिखा रहता है कि कौन सा पुर्जा कितने समय बाद बदलना होगा, लेकिन हम उसे पढ़ना तक जरूरी नहीं समझते। यात्रियों या सामान ढोने वाली गाड़ियों का समय समय पर फिटनेस टेस्ट कराना पड़ता है, उसको परिवहन अधिकारियों के सामने पेश करना होता है, उसे भी हम सब ने खानापूर्ति मान लिया है। हमारी यही मनमानी चलती बस को चिता बना रही। पटना में कांग्रेस की एक बैठक के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए। यह हंगामा पार्टी दफ्तर में राज्य के नए प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास के सामने हुआ, जहां पार्टी के दो गुटों के बीच पहले तो खूब बहस हुई। इस दौरान मंच से दूसरे नेताओं ने कई बार उनसे शांत रहने की अपील की, जिसका कोई असर नहीं हुआ। इसी बीच एक नेता ने गुस्से में आकर कुर्सी उठाई और उसे मंच पर फेंक दिया। मंच की तरफ कुर्सी फेंके जाने के बाद तो नौबत मारपीट की आ गई। माहौल खराब होता देख कुछ लोग कुर्सी फेंकने वाले नेता को बाहर निकालने लगे, लेकिन उनके समर्थन में पार्टी के कई कार्यकर्ता उठ खड़े हुए और बैठक बीच में ही छोड़कर जाने लगे। वहीं दूसरे गुट के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध करना जारी रखा, जिसके बाद कांग्रेस के नए प्रभारी को सामने आना पड़ा। उन्होंने भी वहां हो रहे हंगामे को शांत करने की काफी कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज भी अनसुनी कर दी गई। बताया गया कि बड़े नेताओं के सामने अपनी बात रखने के मुद्दे पर यह बवाल हुआ। बाद में कुछ कार्यकर्ताओं ने दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन किया। सौबात की बात यह कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस कई दशक से विरोधियों के बजाय अपनों से ही पिट रही। बिहार क्या, देश के हर राज्य में कांग्रेस के नेताओं की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं। पटना में कांग्रेस के नेताओं ने छिपाने की कोशिश भी नहीं की। जिस गुटबाजी की वजह से कांग्रेस वहां 3 दशक से सत्ता से दूर है, उसी गुटबाजी की वजह से पार्टी बैठक में कुर्सियां भी चल गई। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा करने पहुंचे बिहार कांग्रेस के प्रभारी ने अपनी आंखों के सामने देख लिया कि पार्टी में एकता और अनुशासन का क्या हाल है। वैसे तो इस समीक्षा की कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के ठीक बाद जब बिहार में कांग्रेस के विधायक दल का नेता चुना जाना था तब भी ऐसा ही हंगामा हुआ। दिसंबर में महंगाई से जुड़े आंकड़े सरकार के लिए राहत देने वाले हैं। सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट है कि दिसंबर में रिटेल महंगाई दर में बड़ी गिरावट आई और ये 4.59% रही, जबकि अक्टूबर और नवंबर में रिटेल महंगाई सरकार के लिए चिंता की वजह बनी हुई। नवंबर में रिटेल महंगाई दर 6.93% दर्ज की गई थी, जबकि अक्टूबर में ये 7.61% तक पहुंच गई थी, जो मई 2014 के बाद से रिटेल महंगाई का सबसे ऊंचा स्तर था। हालांकि औद्योगिक उत्पादन से जुड़े आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। नवंबर 2020 में IIP में 1.9% की गिरावट दर्ज की गई, माइनस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में गाय के गोबर से बना पेंट लॉन्च किया। इसे खादी ग्रामोद्योग की जयपुर इकाई कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट ने तैयार किया, जिसे खादी प्राकृतिक पेंट नाम दिया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सरकारी आवास पर हुए एक कार्यक्रम में इस पेंट को लॉन्च किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद सारंगी भी मौजूद रहे। इस मौके पर गडकरी ने दावा किया कि ये पेंट बाजार में मौजूद दूसरे पेंट की तुलना में न सिर्फ बेहतर है, बल्कि ये 6 लाख लोगों की रोजी रोटी का जरिया भी बनेगा। मार्केट में जो भी अच्छा से अच्छा पेंट है उससे अच्छा है, इको फ्रेंडली है, 6 लाख लोगों को डायरेक्ट जॉब मिलेगा। पेंट लॉन्च होने के तुरंत बाद नितिन गडकरी ने इसके इस्तेमाल की शुरुआत अपने ही सरकारी घर से की। यही नहीं, बाजार में मौजूद दूसरे पेंट और खादी इंडिया के प्राकृतिक पेंट के बीच का फर्क भी बताया गया। सरकार का यह कहना है कि जो ये पेंट है इसकी खासियत यह है कि ये प्राकृतिक है, काफी फायदेमंद होगी। दावा किया गया कि इस पेंट से कोई बदबू नहीं आएगी और इसके इस्तेमाल से दीवारों की उम्र भी बढ़ेगी।
गोबर का प्रयोग आज से देश में नहीं हो रहा, युगों से हो रहा है। लोग अब इस पेंट को बाजार से 2 लीटर और 5 लीटर के पैक में खरीद सकते हैं। सौ बात की एक बात यह कि गाय के गोबर से बना यह पेंट जितना चौंकाने वाला है, अगर हमने इसे आजमाया और संतुष्ट हुए तो इसके नतीजे और भी चौंकाने वाले होंगे। इसे गाय पालने वाले किसानों की आमदनी तो बढ़ेगी ही, सड़क पर घूमते जानवरों की परेशानी से भी छुटकारा मिल सकता है। अभी क्या है कि गौशालाओं में भी बूढ़ी गाय, बछड़े और सांडों को बोझ समझा जाता है जो गोबर के अलावा कुछ नहीं देते। अब वही गोबर पेंट बनाने के लिए अगर बिकने लगेगा तो गौशालाओं का आर्थिक संकट तो अपने आप खत्म हो जाएगा। इस प्राकृतिक पेंट के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए बताया गया है। लेकिन इसका फायदा हम सबको होगा। अभी जो केमिकल वाले पेंट से हम घरों की रंगाई पुताई कराते हैं वो सेहत के लिए भी ठीक नहीं होती, जबकि गोबर से बने इस पेंट में ऐसा कोई केमिकल नहीं है। गोमूत्र और गोबर के इस्तेमाल की बात सुनकर खिल्ली उड़ाने वालों की अभी बोलती बंद है, क्योंकि गोबर से बने पेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका मजाक उड़ाया जा सके। दिल्ली में वेतन नहीं मिलने से परेशान कुछ सफाई कर्मियों ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर के घर में कूड़ा फेंक दिया। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के सैकड़ों कर्मचारी बकाया वेतन के मुद्दे पर 7 जनवरी से हड़ताल पर हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें बकाया वेतन नहीं मिला, जिससे परेशान होकर कुछ सफाई कर्मचारी उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश के घर पहुंच गए और उनके दरवाजे के सामने कूड़ा डाल दिया। घटना के वक्त मेयर जयप्रकाश घर पर ही मौजूद थे, जो हंगामा सुनकर बाहर निकल आए। उन्हें देखकर सफाई कर्मचारियों ने वहां जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। इस घटना से पहले तिमारपुर से कांग्रेस की निगम पार्षद ने सिर पर कूड़ा रखकर मेयर के घर के बाहर प्रदर्शन किया। उनके साथ कुछ सफाई कर्मचारी भी मौजूद थे, जो लगातार दिल्ली के मेयरों के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। थोड़ी देर प्रदर्शन करने के बाद सभी लोगों ने मिलकर मेयर जयप्रकाश के घर का गेट खुलवाया और फिर उनके घर के दरवाजे पर जाकर कूड़ा फेंक दिया। हालांकि बाद में सभी लोगों को वहां से हटा दिया गया। सौगात की एक बात यह कि दिल्ली नगर निगम का राजनीति की वजह से 3 हिस्सों में बंटवारा हुआ और अब तीनों नगर निगमों का बंटाधार भी हो चुका है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की हालत सबसे बुरी है, क्योंकि इसका दायरा बड़ा है और आमदनी कम है। कोरोना संकट की वजह से प्रॉपर्टी टैक्स से होने वाली कमाई भी इस साल घट गई। आर्थिक हालत सुधारने का कोई ठोस तरीका किसी ने ढूंढा नहीं, इसलिए अब वेतन देने के भी लाले हो चुके। कर्मचारियों के वेतन का 1000 करोड़ से ज्यादा का बकाया उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर, इसका इंतजाम कहां से होगा, इसके लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच महीनों से खींचतान चल रही है। वेतन के लिए परेशान कर्मचारी दोनों से नाराज हैं। कांग्रेस भी इसका फायदा उठाने में जुट गई। अब इससे राजनीतिक फायदा किसी को हो ना हो, दिल्ली का नुकसान तो हो ही रहा है। भारत में बने कोरोना के सस्ते टीके की दुनिया भर में चर्चा है। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि दूसरे देशों की वैक्सीन के मुकाबले देश में बनी वैक्सीन बेहद सस्ती है, जिसका दावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया। इतना ही नहीं, स्वदेशी वैक्सीन का रखरखाव भी आसान है। बताया गया कि अमेरिकी कंपनी फाइजर का टीका भारतीय रुपयों में 1431 रुपये का है, जबकि अमेरिका की ही मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन की कीमत तो इससे और भी ज़्यादा है। उसका दाम 2300 से 2700 रुपये के बीच है। वहीं रूस की स्पुतनिक वैक्सीन का दाम 734 रुपये। ये दाम अमेरिकी कोरोना वैक्सीन के मुकाबले कम तो है, लेकिन इतना नहीं कि भारतीय वैक्सीन के दाम को टक्कर दे सके, क्योंकि अगर टैक्स हटा दें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई कोविशील्ड की कीमत महज 200 रुपये और भारत बायोटेक की बनाई कोवैक्सीन 295 रुपये की। दिल्ली में बने केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय के कंट्रोल रूम के जरिए देश भर में बर्ड फ्लू के खतरे पर नजर रखी जा रही है। इसकी मदद से उन सभी राज्यों में एक्शन लिया गया जहां बर्ड फ्लू ने पैर पसारे। न्यूज 18 की टीम भी इस कंट्रोल रूम में पहुंची और ये जाना कि कैसे केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय देश के बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने में जुटा हुआ है। इस कंट्रोल रूम में बैठी टीम को की नजर देश के सभी राज्यों पर रहती है। ये लोग लगातार राज्यों के संपर्क में रहते हैं और जैसे ही उन्हें किसी भी राज्य में हालात बिगड़ने की रिपोर्ट मिलती है वो सतर्क हो जाते हैं। जो अपडेट्स हैं बर्ड फ्लू को लेकर यहाँ आता है और उसके मुताबिक केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय काम करता है। इस कंट्रोल रूम का काम केवल राज्यों को जरूरी निर्देश देना और उन्हें सतर्क करना ही नहीं, बल्कि इस बात पर नजर रखना भी है कि पक्षियों को मारे जाने के बाद उनका क्या किया जा रहा है, क्योंकि केवल पक्षियों को मारने से ही खतरा नहीं टलता। केंद्रीय टीम भी भेजते हैं कि इसे मॉनिटर करने के लिए, अगर ठीक तरह से हम इसको नहीं दफनाएंगे तो उसमें क्या होता है कि उसको फैलाने का चांस होता है। बर्ड फ्लू देश के 10 राज्यों में फैल चुका है। ऐसे में केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय का ये कंट्रोल रूम इन राज्यों से आने वाली हर जानकारी को खंगालता है और रिसर्च के साथ आगे का प्लान तैयार करता है।
सौबात की एक बात यह कि बर्ड फ्लू कई बार देश के अलग अलग राज्यों में साल दो साल में फैलता ही रहा है, लेकिन पिछले डेढ़ दशक में एक भी मामला ऐसा सामने नहीं आया जब किसी इंसान कोई इंसान इसकी चपेट में आया हो। इस बार भी देश के जिन 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है वहां चिड़ियाघर, मुर्गी फार्म या उन पक्षियों के आसपास रहने वाले किसी आदमी पर इस वायरस का हमला नहीं हुआ। इसलिए सरकार भी समझा रही है कि बदहवास होने की जरूरत किसी को नहीं है, राज्य सरकारें अपना काम कर रही हैं, दिल्ली से उनकी निगरानी भी हो रही है और बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश भी पहले से जारी किए जा चुके हैं, हमको सिर्फ सतर्क रहना है। होता क्या है कि जब हम सुनते हैं कि फलां शहर में इतनी मुर्गियां मार दी गई, इतनी बतख मारकर दफना दी गई, तो हमारे दिमाग में भूचाल आ जाता है कि बर्ड फ्लू ने कोहराम मचा दिया। ये गलत फहमी दिल से निकाल दीजिए, सिर्फ एहतियात के तौर पर बर्ड फ्लू की चपेट में आई मुर्गियों को मारा जा रहा है ताकि इस बीमारी को कोहराम मचाने से रोका जा सके। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक कॉलेज में कुछ छात्रों ने एक लड़के को बुरी तरह पीट दिया। बताया गया कि ये लड़का अपनी दोस्त को कॉलेज छोड़ने गया था, तभी कुछ छात्रों ने उस पर हमला कर दिया। सामने आई एक तस्वीर में एक लड़का उसे पकड़कर थप्पड़ों से पीटता देखा। इसी बीच एक दूसरे लड़के ने उसे पीछे से मारने की कोशिश की, लेकिन वो खुद लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। इसके बाद वो दोबारा उठा और फिर उसने पीछे से वार किया। इस मारपीट को देखकर वहां मौजूद लड़के की दोस्त डर कर रोने लगी, लेकिन मामला शांत होने के बजाय और बढ़ गया और इसमें छात्र संघ भी कूद पड़ा और मार खाने वाले लड़के पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। छेड़खानी कर रहे थे, उनको समझाने की कोशिश की तो आपस में गाली गलौज की, उसके बाद मार दिया। इस मारपीट में अपनी दोस्त को कॉलेज पहुंचाने आए लड़के को गंभीर चोटें आईं। सौबात की एक बात यह कि हमारे बीच ऐसे जाहिलों की बिल्कुल कमी नहीं है जो आज भी लड़कियों को जायदाद समझते हैं। खासकर छोटे शहरों के कॉलेजों में ये रोग पुराना है। वहां लफंगों को लगता है कि उनके कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की किसी और से दोस्ती कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो कॉलेज की जायदाद है। शर्म आती है ऐसी घटिया सोच रखने वालों पर जो कॉलेज में पढ़ते हैं और कबीलों वाले युग में जी रहे हैं। कोरोना की वजह से देश में जैविक कचरा यानी अस्पतालों से निकलने वाले कचरे के रूप में एक नया खतरा पैदा हो गया। News18.com की रिपोर्ट है कि पिछले 7 महीने में देश भर में करीब 33,000 टन जैविक कचरा निकला, जिनमें PPE किट, मास्क, दस्ताने, पट्टियां, रुई समेत कई चीजें शामिल हैं। महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे रहा और वहां इन 7 महीनों में 3,587 टन कचरा अलग अलग अस्पतालों से निकला। इसके अलावा दिल्ली, केरल, गुजरात और यूपी समेत कई राज्यों के अस्पतालों से भी निकले कचरे की मात्रा हजारों टन से ज्यादा थी। यह आंकड़ा देश भर में बढ़ते प्रदूषण पर नजर रखने वाली संस्था CPCB ने एक मोबाइल ऐप के जरिए जुटाया।